हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मौहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस अ पोएम एंड द पोएम नेम इज वेंट द सेशन। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर पोएम वेंट द सेशन। दिस पोएम इज रिटन बाय ऑब्वियसली द ग्रेट एलिजाबेथन राइटर, पोएट, ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। सो दिस इज अ सोनेट एंड यू नो द मीनिंग ऑफ सोनेट। सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस थर्ड क्वार्टर एंड अ कपलेट ऑफ दिस पोएम। यू नो द मीनिंग ऑफ सोनेट। सोनेट इज 14 लाइन्स पोएम एंड 14 लाइन्स डिवाइडेड इन 4+4+4+2 अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर और एलिजाबेथन सोनेट। सो लेट्स बिगिन विद द दिस स्टेंजा ऑफ द सोनेट। Then can I grieve at grievance foregone, and heavily from woe to woe tell o'er the sad account of four bemoaned moon, which I knew pay as if not paid before. But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrows end. देखो स्टूडेंट्स, आपको इतना तो समझ आ गया कि ये जो वीडियो है आज पर्टिकुलर थर्ड वीडियो है इस पोएम पे, वेंट टू द सेशन पे। वेंट टू द सेशन जो पोएम है वो विलियम शेक्सपियर की पोएम है। ये एक सोनेट है और आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखा है, तो ये एक शेक्सपियर सोनेट है। और शेक्सपियर सोनेट में को डिवाइड करते हैं हम थ्री क्वार्टर्स और एक कपलेट में। थ्री क्वार्टर्स का मीनिंग होता है चार लाइन का एक क्वार्टर होता है, 4+4+4+2। तो ये जो है एक शेक्सपियर सोनेट है और इसके हम ऑलरेडी जो है तीन स्टेंजा कवर कर चुके हैं। आज वाले में हम फोर्थ क्वार्टरन इसका और कपलेट कवर करने वाले हैं। मींस इस वीडियो में हमारी पोएम जो है कंप्लीट हम करने वाले हैं। आपको पता चल गया जब आपने इसके ऑलरेडी जो दो वीडियोस इस पे बने हुए हैं पर्टिकुलर पोएम वेंट टू द सेशन पे देखे, तो इस पोएम में क्या बात कर रहा है वेंट टू द सेशन में पोएट शेक्सपियर। ये बोल रहे हैं कि हम अगर याद करते हैं हमारे पुराने मित्रों को तो हम क्या होते हैं, ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हम एक दुख से दूसरे दुख की ओर चले जाते हैं। हम जितना सोचेंगे हमारे पास्ट के बारे में, जितना हमारी गलतियों के बारे में सोचेंगे, उतना हम एक दुख से दूसरे दुख पे जाएंगे। और वो कह रहे कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने पास्ट में मुझे करनी थी पर मैंने नहीं की, वो इनकम्प्लीट रह गई। बहुत सारी ऐसी बातें जो वैनिश्ड साइट हो गई, ऐसी साइट हो गई जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं है, वो अब गायब हो चुकी है। तो एक तरह से ये पास्ट को याद कर रहे हैं और फिर लास्ट में ये उस पूरी पोएम का कंक्लूजन कपलेट में देंगे। अब हम थर्ड स्टेंजा पे बात करते हैं। दो वीडियो आप जो इसके पर्टिकुलर पोएम पे बने हुए हैं वो जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो देखो, देन कैन आई ग्रीव एट ग्रेवेंस फॉर गॉन। अब इस स्टेंजा पे पोएट बोल रहा है, क्या मैं ग्रीव दुख प्रकट करूं एट ग्रेवेंस फॉर गॉन। जो लोग जा चुके हैं या फिर जो पास्ट में बातें बीत चुकी है, फॉर गॉन इन द सेंस जो बातें पास्ट में बीत चुकी है, जो दुख पास्ट के थे, क्या मैं उन पे अब दोबारा दुख प्रकट करूं। एंड हैवनली फ्रॉम वो टू वो एंड हैवनली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर द सैड अकाउंट ऑफ फोर बिमोन मोन। और क्या करूं, एंड हैवीली बहुत ज़्यादा हैवी से फ्रॉम वो टू वो, एक दुख से दूसरे दुख की ओर जाऊंगा अगर मैं जितना पास्ट की बातों को याद करूंगा। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रेवरेंस फॉर गॉन, क्या मैं उन पुरानी बातों पे जो बीत चुकी है बातें या पुराने ऐसे दुख जो जा चुके हैं अब नहीं है मेरे साथ, क्या मैं उनको फिर से याद करूं, उन पे दुख प्रकट करूं। एंड हैवीली, और क्या बहुत ज़्यादा हैवीली फ्रॉम वो टू वो, एक दुख से दूसरे दुख की ओर टेल ओवर द सैड अकाउंट ऑफ फोर बिमोन मोन, क्या मैं उन एक दुख से दूसरे दुख की ओर जाके सैड अकाउंट ओवर द सैड अकाउंट, वो सैड अकाउंट जो पास्ट में बीत चुके हैं और फोर बिमोन मतलब पास्ट में बीत चुके जो दुख हैं उन पे मोन करूं, उन पे दुख प्रकट करूं। मतलब इसी लाइन में भी यही बात कह रहा है कि क्या मैं एक दुख से दूसरे दुख की ओर जाके टेल ओवर द सैड अकाउंट, क्या जितने भी सैड अकाउंट थे मींस जो मेरी पास्ट में सैड बातें थी, फोर बिमोन मोन, फोर बिमोन मीन्स जो पास्ट में बीती हुई बातें, उन पे मोन करूं, उन पे दुख प्रकट करूं, विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। और अगर मैं ये सब करूंगा तो विच आई न्यू पे, ऐसा लगेगा कि मैं नया पेमेंट कर रहा हूं, जैसे कि मैंने किसी बात पे पहले पेमेंट नहीं किया हो। कहने का मतलब यहाँ ये है कि पोएट कह रहा है कि अगर हम कभी, ये एक देखो जनरल सी बात भी है, अगर हमारे पास्ट में कोई दुख है वो जा चुका है, बीत चुका है, सपोज किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो 10 साल पहले, पर आज वो आपका बहुत क्लोज और आप उसको याद करने बैठोगे तो आप अभी भी वैसे ही रोओगे। आपको क्या लगेगा कि यार वो तो यही था, आपके 10 साल बीत भी चुके हैं, मुझे पता नहीं है।
और उस दुख पे पहुंचने के बाद आपको और बाकी के आपके 10 दुख याद आ जाएंगे। तो वो टू वो, एक दुख से दूसरे दुख की ओर पहुंच जाओगे। और अगर ऐसा करोगे तो आपको ऐसा फील होगा बिल्कुल फ्रेश, अभी कुछ कुछ जो इंसिडेंस है वो अभी घटित हुआ है ना, अभी घटना घटी है वो। तो वो कह रहे हैं विच आई न्यू पे, ऐसा लगेगा कि उस पर आप नया पेमेंट कर रहे हो, इज एज इफ नॉट पेड बिफोर, जैसे कि आपने उस पर कभी पेमेंट किया ही नहीं था, एज इफ नॉट पेड बिफोर, पहले उस पर जैसे दुख प्रकट किया ही नहीं है। तो आई होप आपको ये स्टेंजा, ये जो चार लाइन से क्लियर हो गई। पोएट यही बोल रहा है कि क्या मैं पुरानी बातों को याद करूं जो बीत चुकी है और उन पे दुख प्रकट करूं, और अगर मैं उस पे दुख प्रकट करूंगा पुरानी बातों पे तो मैं वो टू वो, एक दुख से दूसरे दुख की ओर पहुंच जाऊंगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे मैं उन पे नया पेमेंट कर रहा हूं, मैंने पहले जैसे पेमेंट किया ही नहीं हूं। अब हमारी जो कपलेट है, कॉन्क्लूजन है, वो आता है जो उस पूरी पोएम का कॉन्क्लूजन निकालेगा। बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड ऑल लूजेज आर रिस्टोर्ड एंड सोरोज एंड, पर कह रहा है पर, बट मीन्स पर, इफ द वाइल आई थिंक, कुछ क्षण के लिए आई थिंक, मैं सोचता हूँ ऑन दी, दीन ये एक आर्किक लैंग्वेज है, दी मीन्स यू, कुछ क्षण के लिए जब मेरे डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ऑल लूजेज, जो भी मैंने पास्ट में चीज़ों को लूज किया है, जो चीज़ें मेरी बीत चुकी है, जो मेरा पास्ट जा चुका है, जिनको मैं खो चुका हूँ, आर रिस्टोर्ड, है ना, वो रिस्टोर्ड हो जाते हैं, यहाँ रिस्टोर्ड का मीनिंग ख़त्म हो जाते हैं, एंड सोरोज एंड, और मेरे जो दुख हैं सोरोज हैं वो एंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ ये अपने डियर फ्रेंड को एक तरह से बोल रहे हैं कि डेडिकेट करके बोल रहा है कि बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी, जब भी मैं किसी क्षण तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरे प्यारे मित्र, तो ऑल लूजेज आर रिस्टोर्ड, तो मेरे जितने भी लूजेज हैं, जितने भी चीज़ें मैंने पास्ट में खोई है, आर रिस्टोर्ड, वो जैसे रिस्टोर्ड हो जाती है, और सोरोज एंड, और जैसे कि मेरे दुख सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारी पोएम थी, इसका आपको पता चल गया कि लास्ट में कॉन्क्लूजन जो है पोएट ने निकाल दिया, वो यही कह रहा है कि जब वो अपने प्यारे मित्र के बारे में सोचता है तो वो सभी दुखों को भूल जाता है। तो इनडायरेक्टली वो हमें बताना चाह रहा है कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हो सकता है कि हम जो दुख प्रकट करते हैं अंदर से, वो हमारा दुख जो है ख़त्म हो जाए। तो आई होप आपको ये जो सोनेट है वो क्लियर हो गया, पर इस सोनेट के आप बाकी दो वीडियो देखेंगे तो ही ये वीडियो समझ आने वाला है, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा। तो आप वो दो वीडियो देखें, उसके बाद ये थर्ड वीडियो पे आप आएँ, क्योंकि इसमें मैंने लास्ट स्टेंजा मीन्स थर्ड क्वार्टेंट और कपलेट बताया है, जो कि आपको उन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही क्लियर होगा। थैंक यू।